क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह, क्या इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशर्फियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। मेरे दानवीर सम्राट राज के राज दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट गादी से कल कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आप आदेश, कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुख्सत हो जाइए। Thank you.
महामंत्री गंगा सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए मेरे दानवीर साहब, क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? गंगा सिंह हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो सब चारी सब ठीक है समाचार सब ठीक है और आए मेरे संतान और प्रजाओ और आपके नाम से धरती जय जय मेरे दानवीर सम्राट। आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, आपकी सारी जनता आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुड़ गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल समझती है और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह, बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहां बना, कहिए मेरे जहां बना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? तुलाइए
वीरवर सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो इस बारे में मैं आपसे जरूर बताऊंगा। राजन सुनिए महाराज, किसी बॉर्डर पे सेना है लाज लगी, सीमा बॉर्डर किसी बॉर्डर पे सेना है लाज लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप में बिक्र रही है। मेदांती सम्राट अपनी जो सेना है, अपनी जो सेना है अपने ठिकाने पर तैनात है। महाराज, जैसे आर्मी के जवान और नेवी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी सैनिक अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है। शाबाश मेरे बहादुर, लेकिन बाबू सिंह ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है, तो इस बारे में सुनिए। राजन, इस समय अपने पास जो सेना है काफी संख्या में तादाद है, काफी संख्या की तादाद में मौजूद है। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़े को सवार है, और हाथी तो बोलिया रब्बा की, हाथी तो बोलिया रब्बा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे तक। क्या बात है गंगा सिंह, महाराज के झूठ बोलता है या आपको झूठा स्वाथन दे रहा है? हाँ मंत्री गंगा सिंह, झूठा श्वासन क्या दे रहा हूं मैं, मतलब क्या है? तू तो महाराज को बहका रहा है। महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके सुतेपुर के अंदर चढ़ाई कर नहीं। गंगा सिंह क्यों झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर महाराज को डरा रहा है? किसकी बात करते हैं आप? बहुत करमपुर सम्राट कनक सिंह की, जिसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पराजय कर चुके हैं, युद्ध के मैदान से दो बार भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत या इतनी बड़ी अभाव नहीं है गंगा सिंह। हरम घर कहेगा, हमको लगता है इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। कहीं का दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए।
बची बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाहिए शमाई हुई। सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए हर वक्त मैं मिटने को तैयार रहता हूं। राजन जब अगर अभी भी आपकी पुत्री इस राज की मलिका बनेगी तो अगर हम जीवित रहे तो आपके शान शौकत के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त और हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा। राजन शाबाश मेरे बहादुर, और बाघ सिंह हमारा हुक्म है अपने नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, और हर कलम अपना करेंगे महाराज, हर कलम अपना करेंगे और आए वतन तेरे लिए और दिल दिया है चा भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह हमारा हुक्म है अगर वो सम्राट गंगा सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शराम खोर के कदों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखते रहिए। दरबारी आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट
बंद कर दिया जाए। जैसा आदेश मालिक।